हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सब ठीक ही होंगे? हम भी ठीक हैं। और वही रोज़ाना वाला मॉर्निंग रूटीन, गोलू जा रहा है स्कूल, मैंने गोलू का लंच रेडी कर दिया है। और लंच में गोलू आज फिर से चीले ही लेके जा रहा है, क्योंकि गोलू को चीले बहुत ज़्यादा पसंद हैं और वैसे हेल्दी भी होते हैं चीले बच्चों के लिए। तो गोलू ने आज चीले, दही, दही में बूंदी डलवाई है और ये सब लेके जा रहा है। तो गोलू अब जाएगा स्कूल और मेरा पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है आज। तो उसको सेट करेंगे सारा सामान, यूं ही कपड़े भी ऐसे ही कल धुले थे, कपड़े पड़े हुए हैं ऐसे ही। हाँ, टीवी टीवी नहीं, लेट हो जाओगे बाप। ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़े पड़े हुए हैं इधर। ये कपड़े समेटने हैं, तय लगाने हैं, कल धोए थे मैंने तो ये पड़े हुए हैं। और झाड़ू पोछा सब कुछ सारा काम पड़ा हुआ है आज तो। हाँ देखिए, और किचन भी पूरी फैली पड़ी है। तो चलिए फटाफट से सारा काम खत्म करते हैं अपना, और मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने घर का सारा काम तो खत्म कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ सारा काम हो गया। और अब मैं गोलू को लेके आऊँगी आज, मुझे पैदल ले जाना पड़ेगा उसको स्कूल से लेने, क्योंकि इसके पापा कहीं काम से बाहर गए हुए हैं तो वो टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो 12 बज गए हैं, अब मैं घर से निकलूँगी तभी 1 बजे तक वहाँ तक पहुँच पाऊँगी, क्योंकि टाइम लगता है पैदल जाने में। और फिर ऐसे ही तबीयत चल रही है, तो आप जाएंगे गोलू को ट्यूशन से लेने। काम तो सारा हो गया, बस दूध गर्म करना बचा हुआ है और कपड़े तय लगाने बचे हैं। मैं आपको सुबह दिखा रही थी कि सारा अस्त व्यस्त पड़ा है, वो कपड़े तो अभी भी पड़े ही हैं, तो आके उनको तय लगाएंगे। और मशीन लगा रखी, मशीन में मैंने कंबल धोने के लिए डाल रखा है, सिंगल बेड का कंबल है, डबल वाला तो नहीं धुल सकता उसमें, बस सिंगल वाला धो लेते, क्योंकि वो डेली मतलब जो रूटीन में हम बाहर ओल में रहते हैं ना, तब उसी कंबल को रखते हैं तो वो जल्दी जल्दी धोना पड़ता है फिर, तो इसलिए मैंने उसको मशीन में डाल रखा है। आऊँगी तब तक धुल जाएगा और फिर धूप में डाल देंगे उसको। तो ये देखिए, मैंने सारी क्लीनिंग तो कर दी घर की, सारा काम हो गया और अब चलेंगे गोलू को लेने स्कूल से। किचन भी मेरी बिल्कुल क्लीन है और घर भी पूरा क्लीन हो गया है, तो अब चलते हैं गोलू को लेने। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं गोलू को स्कूल से लूँगी, फिर हॉस्पिटल, मेरा हॉस्पिटल जहाँ से मैं दवाई लेके आती हूँ वो भी पास में ही है, तो वहाँ मैं जाऊँगी। और आज मैंने पहले मैडम के पास फ़ोन किया है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, नहीं तो कल की तरह ऐसे ही फालतू में जाना पड़े। तो मैम बोले कि मैं आ रही हूँ आज, तो आज भी 2 बजे तक ही हैं, अब मैं जल्दी से जा रही हूँ, पहले गोलू को लूँगी फिर हॉस्पिटल जाऊँगी, हॉस्पिटल से मेरा जो चेकअप वगैरह है वो करवा के फिर घर आते हैं। तो चलिए गोलू को लेने चलें। गोलू, ओए गोलू, मस्ती है, चाय नहीं पड़ रहा आपको? तो नाच के दिखा, जल्दी नाच के दिखा रहे रुपये मिलेंगे। एक मिनट रुको, ये मम्मा के पास, इसने मेरे बाल पकड़ लिए थे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और हमने पर्ची कटवा ली है। टाइम लगेगा थोड़ा हमारा नंबर आने में, तो वेट कर रहे हैं हम जब तक। गोलू शरारत नहीं, हॉस्पिटल में भी चैन नहीं है आपको। और
तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल से तो हम आ गए थे, तो वहाँ उस हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी, तबीयत थोड़ी ढीली ही थी। तो अब हमने रात के खाने में नमकीन चावल बनाए हैं, ये कुछ ज़्यादा रोटी खाने का कुछ मन नहीं था तो सोचा कि कुछ हल्का फुल्का ही बना लेते हैं। तो नमकीन चावल बनाए हैं और गोलू देख रहा है टीवी। हेलो करो गोलू, हेलो। तो ये देखिए कितने मस्त बने हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बने हैं नमकीन चावल, आप सब भी खा लीजिए। और ये टेस्ट करके बता रहे थे कि मस्त बने हुए हैं, ये देखिए। तो अब गर्मा गर्म नमकीन चावल खाते हैं क्योंकि ठंडे होने के बाद इनका टेस्ट वैसा नहीं रहता जैसा अब है। फ्रेंड्स इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड और मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।